नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा उत्तर प्रदेश कार्य समिति के द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित गुज्जर एकता सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में सम्पन्न हुआ, जिसमें प्रदेश संगठन विस्तार तथा उत्तर प्रदेश महासभा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया तथा समाजोत्थान सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं राजनीतिक दलों में गुज्जर समाज की अनदेखी होने पर पुरजोर विरोध कर समाज द्वारा राजनीतिक दलों को मुंहतोड़ जवाब देने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सर्वप्रथम भगवान देव नारायण की प्रतिमा के सम्मुख राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी पुरुषोत्तम पाटिल सहित राष्ट्रीय नेतृत्व ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने संगठन की कार्य योजना और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन रेणुजी चौधरी ने संगठन में महिला भागीदारी के लिए आह्वान किया तथा संगठन में पुरुषों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की भी अपील की। युवा इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र गुजरात एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉ. प्रफुल्ल पाटिल ने समाज को संबोधन करते हुए कहा कि गुज्जर एक जाति नहीं, गुज्जर एक संस्कृति है जिसका इतिहास 21वीं शताब्दी से भारतवर्ष देख रहा है तथा युवाओं को समाज विकास तथा शिक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के साथ साथ समाज कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात प्रदेश के कार्याध्यक्ष जगदीश भाई पटेल ने समाज को संबोधन करते हुए कहा कि समाज संगठन में हमेशा कोई अगर आगे जा रहा है और समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो हमेशा उसके हाथ में हाथ देकर उसे आगे खींचो, ना कि उसके पांव, तभी समाज में बदलाव आएगा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सांवरमल जी गुज्जर ने समाज उत्थान के लिए जवाबदेही के बारे में बताया। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरजी चौधरी ने पूरे भारतवर्ष के युवा साथियों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय गुज्जर महासभा एकमात्र ऐसा संगठन जो सन स्वतंत्र पूर्व काल से सक्रिय है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए संगठन विस्तार, समाज उत्थान, समाज की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की अपील की। बैठक में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपीचंद गुज्जर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नवाब सिंह नागर, दादरी से विधायक तेजपाल सिंह गुज्जर, मल्हा इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु चौधरी, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर चौधरी, गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश जी पटेल, युवा इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. प्रफुल्ल जी पाटिल, उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नागर, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सांवरमल गुज्जर, आईटी सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीएन सिंह, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष विनोद चौधरी, दीपक जी पटेल, उत्तर प्रदेश महामंत्री तथा मीडिया प्रभारी डॉ. मनोज कटारी, उपाध्यक्ष देवेंद्र कसाना, कोषाध्यक्ष रविजीत तोगड़ आदि सैकड़ों उत्तर प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही। जगत न्यूज 24 नई दिल्ली से चेतन पाटिल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर भाई चौधरी जी एवं समस्त सम्मानीय मंच और मेरे सामने विराजमान उत्तर प्रदेश के सभी गुजर भाई और बहनों का मैं इस गुजर एकता सम्मेलन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां पे एक ही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, गुर्जर इज ए नॉट अ कास्ट, गुर्जर इज ए कल्चर। स्किल के देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।